खबर है कि कुर्सी जाने से पहले इमरान खान की पिटाई हुई थी। ये खबर तो पहले ही उड़ रही थी कि इमरान पर इस्तीफे के लिए बाजवा दबाव बना रहे थे, लेकिन अब खबर है कि बाजवा ने उनकी धुनाई भी की थी। खबर है कि इमरान खान को हटाने से पहले उन्हें थप्पड़ मारे गए थे। कहा जा रहा है कि ये 9 अप्रैल को हुआ था, यानी कि उनकी कुर्सी जाने से ठीक एक दिन पहले। कई इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा ने रात में उनसे पीएम आवास पर मुलाकात की थी और इसी दौरान उन्होंने उन्हें थप्पड़ और लात मारी थी। यानी कि इमरान की कुर्सी तो गई ही, उनकी बेइज्जती भी हुई, क्योंकि ट्विटर पर लोगों ने इस खबर को चटकारे ले लेकर पढ़ा। एक शख्स ने तो पूछा कि सुना है कि खान को थप्पड़ पड़े हैं, जबकि एक शख्स ने दावा किया कि बाजवा और इमरान एक घंटे तक कमरे में बंद थे और इसी दौरान उनकी धुनाई हुई, जबकि उससे कुछ घंटे पहले इमरान बाजवा की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। कहा जा रहा है कि इमरान बाजवा को हटाना चाहते थे और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना चाहते थे, लेकिन इमरान ने कभी खुलकर ये नहीं कहा। उल्टा मीडिया के सामने उन्होंने बाजवा का गुणगान किया। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है, ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है। लेकिन सेना प्रमुख पर आरोप लगा कि उन्होंने इमरान खान को पीटा। बात चली तो पाकिस्तान की मीडिया ने उसे हवा दे दी, जिसका जवाब देना सेना के लोगों के लिए मुश्किल हो गया। इस बारे में जो एक मनगढ़ंत किस्म की स्टोरी कि कोई वहाँ पे गए और किसी ने उनसे, कोई कुछ नहीं है। इससे पहले खबर थी कि बाजवा के इशारे पर ही इमरान को कुर्सी से हटाने की प्लानिंग हुई थी और वो लगातार उनसे इस्तीफा देने को कह रहे थे।